दोस्तों महेंद्रगढ़ में हूँ, चुनावी माहौल है और सभी नेता अपने अपने नॉमिनेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पहुँचा है। आप देख सकते हैं इनकी टीम जो है वो यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे कि फॉर्म इन्होंने भर दिया, कैसा माहौल है, क्या क्या कुछ चल रहा है आने वाले समय में चुनाव का। जी भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया भाई। फॉर्म फिल दे दिया? हाँ दे दिया। तो कैसा क्या रुझान है लोगों का? रुझान आपके सामने है, वो तो अभी जनता जनार्दन के ऊपर है। मैंने कल भी आपको कहा था, हम तो अपने विचारों की लड़ाई को लेकर चले हैं, अपने विचारों को लेकर चले हैं। जो इन विचारों के साथ जुड़ना चाहता है वो इस काफिले में शामिल हो जाए। हमने तो एक मशाल जलाई है, जो जो इसमें घी घालता जाएगा उसका काम आगे बढ़ता जाएगा। किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी? वो चुनाव लड़ रहे हैं, रणनीति जो भी मुख्य चुनाव में होती है वही रणनीति रहेगी। ठीक है, अभी कार्यालय तो अपना है ही, वहाँ से आगे की रणनीति बनाएंगे। एक बार चुनाव चिन्ह आ जाता है उसके बाद देखते हैं क्या रणनीति रहेगी अपना। आज जो लोग इकट्ठा हुए उन्हें क्या कहोगे? जितने भी साथी यहाँ पर आए और जो भी आपके माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के हार्दिक वंदन है कि आप लोग अपना समय निकाल के मेरे पास आए हैं और मेरे कंधों को मजबूत किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहाँ से हैं जी आप? मालडा गांव से। तो साथ हैं भाई? हाँ भाई के साथ में। कैसा है व्यक्ति? बिल्कुल बढ़िया। गांव से कितने वोट लेके आओगे? गांव से देखो अब ग्राउंड में आया है, आज शुरुआत है, तो आगे आने वाला समय है वो बताएगा। तो विष्णु वैसे ठीक है? बिल्कुल, एक साथ देता है आप लोगों का? बिल्कुल देता है। आप कहाँ से जी? सुरजनवास से। सुरजनवास से जी। क्या कहोगे विष्णु को लेके? विष्णु को लेके बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया काम करता है और इसके लिए हम हमेशा साथ खड़े रहे। तो काम करवाओगे कि नहीं? काम करवाएगा जी, करवाएगा, हमें पक्की विश्वास है। आप कहाँ से जी? मैं ऊन गांव से हूँ। अच्छा। और मैं इनके साथ हूँ और इनके मतलब मैं यही चाहती हूँ कि ये जीते, एमएलए बने, मेरी आगे यही है। जीतने के बाद काम करेंगे? बिल्कुल जी, जब हमारे अब भी मतलब जीते नहीं उससे पहले हमारे, उससे भी कई सालों से काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें क्यों नहीं उम्मीद होगी कि ये आगे भी करेंगे हमारे लिए। हमें तो बिल्कुल उम्मीद है हमारे लिए, ये बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आप भी पहले भी हमारे लिए खड़े थे, आज भी हमारे लिए खड़े रहेंगे, हम इसका साथ देंगे। आप कहाँ से जी? ऊन से हैं जी। ऊन से? हाँ जी। क्या कहोगे विष्णु को लेकर? विष्णु बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। और भगवान करे इसने जताव है, हमारे तो बहुत काम करा, दी रात ने फोन अटेंड करा है जब हम फोन करा। हाँ, जो काम होता है वो करवाता है। हाँ जी, सही कैंडिडेट, अच्छी तरीके से करवाता है, सही, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बड़ी तारीफ हो रही है भाई साहब। भाई आपने देखा ही है, मैं तो लोग मंत्री बनने के बाद काम करेंगे, मैं तो पिछले 10 साल से मजदूर के लिए, किसान के लिए पिछले 10 साल का जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर रखा है। वो ठीक है, हम एक विख्यात चेहरे, हम लोगों की तरह बताते नहीं है, नीचे नीचे काम करते रहते हैं। तो ये जो भीड़ है ये दिल से चाहने वालों की है? दिल से चाहने वाला है, ना चाहने वाला तो घर बैठा ही। तो अभी आगे जैसे आज भर्तिया 16 को आ जाएगा, तो कैसे क्या गाँव में जाना कब से शुरू करेंगे? 16 से ही शुरू हो जाएगा। 16 से शुरू कर देंगे। हाँ। चुनाव चिन्ह आते ही? हाँ, चुनाव चिन्ह आते ही। तो इधर भी आपकी टीम है भाई साहब? कहाँ से हैं? मैं जावा गांव, जावा है। जावा। तो विष्णु के गांव से ही है? हाँ जी। कैसा व्यक्ति है विष्णु? बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति है, ईमानदार है, हर जो पिछड़ा वर्ग है, आम आदमी है, उसकी सहायता करता है और सभी प्रकार का वो जो ये काम करते हैं सीएससी का मजदूर के लिए। हाँ बिल्कुल, गांव सारा साथ है, काफी गांव से आए हुए हैं और हर आदमी का सपोर्ट है। चुनाव में हम गांव से आके इस एरिया में घर घर जाके वोट की अपील करेंगे।
आप क्या कहेंगे जी विष्णु को लेकर? देखो जी, बहुत ऑनर उम्मीदवार है इस महेंद्रगढ़ की जनता को। 10 साल से इन्होंने बहुत मेहनत, कठोर मेहनत करके मतलब अपना विश्वास जताया है। हमें परमात्मा से यही कामना करते हैं कि अब की बार ये शायद ही मतलब कोई चूक रह जाए, 1% तो कह नहीं सकते, ये तो उम्मीदवार को जीत हासिल करेगा। मजबूत उम्मीदवार, मजबूत के टिकाऊ और कठोर कठोर युवा उम्मीदवार है। आप कहाँ से जी? जावा से। जावा, मतलब पूरा गांव है सपोर्ट में? सपोर्टिंग पूरा गांव। कैसा व्यक्ति है विष्णु? बहुत बढ़िया जी, बहुत लोगों की मदद करता है। पूरी मदद करता है, बन गया तो करेगा, पूरी मदद कर रहा है जी। पहले बन रहे कर रहा है। लोगों को वोट देना चाहिए, देना चाहिए जी, हाथ जोड़ के मिलती है। कभी यहाँ पे विष्णु जावा जो है, जिनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने आज नॉमिनेशन अपना दर्ज किया है और आने वाले समय में आप लोगों के गांव में ही आएंगे और किस प्रकार के काम के लिए ये आपके बीच आएंगे वो आप इंटरव्यू में सुन सकते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होंगे। क्या सोचते हैं कौन होना चाहिए महेंद्रगढ़ का विधायक, देख सकते हैं यहाँ पे जोश जो है लोगों में वो भारी है। तो इस प्रकार की चुनावी अपडेट के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।